डियर स्टूडेंट, आई एम लवकु सग्रहरी। आज आप लोगों को मैथमेटिक्स में एक मैं ऐसा चीज़ बताऊंगा जो कि FEFC डेरिवेशन ऑफ वन फ्रॉम द अलजेब्रिक फार्मूला में ये क्या करता है, आपके पूरे मेथड की कंप्लीटेड तैयारी कर। जैसे आपके सबमिशन से सबमिशन को जब आप किसी इक्वलनांट के साथ अगर क्या करते हो, अगर आप ऑब्जर्व कराते हो तो क्वेश्चन में हमेशा आपकी निगेटिव फील होगी। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो मैं सबटेक्स ऑफ इनक्वालिटी में अगर देखेंगे तो इसका जो वर्किंग होता है वेरी फास्ट तरीके से होता है। और इसी फास्ट तरीकों में अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर पोजिशन में अगर NP अगर मैं लगाता हूँ, NP का मतलब होता है नॉर्थल पोजिशनल इन द वेरी टॉपिकली क्वेश्चंस, अगर हम इसको यूज करेंगे तो ये पोजिशनल पर कैलकुलस बना लेता। जब यह कैलकुलस बनाएगा तो इसकी वैल्यू आपस में क्या होगा, कैलकुलेटेड हो करके एक वैल्यू तैयार करेगा और एक एक वैल्यू पर पोजिशनल कैलकुलस बना करके अपनी वैल्यू फाइंड करा लेता है। और जब प्रूफली करेंगे तो यहाँ G1 G2 और H1 पे जो अलजेब्रिक फार्मूला होता है उस पर लागू होता है। इसके बाद अगर आप देखते हैं अगर और क्वेश्चन की और अगर आप आगे बढ़ते हैं तो उसमें भी अगर देखेंगे तो आपकी पूरी वैल्यू एकदम करेक्ट फील होगी। और करेक्ट फील होने के बाद आपकी जो भी वैल्यू अगर बचेगी आप इसे डेप्थ करके इस क्वेश्चन को कंस्टेंट डेप्थ ले जा करके आप इस वैल्यू को कंप्लीट बना सकते हो। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो भी पॉलीनोमियल्स वाले क्वेश्चन होते भी हैं इसको आप कैसे डेरिवेट करके इस वैल्यू को आप देख भी सकते हैं कि इसको डेरिवेटेड करने में जो भी वैल्यू इम्प्रूव होती है इस वैल्यू अगर आप देखेंगे तो आपको सीधे ट्रांसफॉर्मेशन बना करके कंप्लीट करा लेता है। और ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कराने के बाद इसमें देखेंगे कि आप जो भी वैल्यू होती है चाहे इस साइड चाहे अपर करेंगे चाहे लोअर करेंगे दोनों तरीके से क्या करता है आपके ऊपर काम करता है। अच्छा, काम करेगा तो आपकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा एक रूप ले लेती है कि इसमें F1 या M2 की वैल्यू क्या फिक्स करना है। और सबसे बड़ी बात है कि इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे एक G1 G2 के F1 G1 G2 किसी तरीके से अगर कोई आप ग्रुप ले लेते हो और ग्रुप के क्या करते हो कंबाइंड कराते हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी आपस में सेम बनाता है। जब यह सेम बनाएगा तो इसे जैसे कि वेरिएबल फॉर एवरी बुलियन वेरिएबल इनफॉर्मली अगर इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे इसकी बहुत बड़ी क्या होती है एक टॉपिक होती है कि आप इस क्वेश्चन में कितनी बार डिफ्यूजेट करके इस वैल्यू का फाइंड कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात होती है कि एक क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे कि इसको कैसे मोटिवेट किया जाए या किसी तरीके से उस पर इम्प्रूव किया जाए, इस क्वेश्चन पे आप देखिए पॉलीनोमियल्स में अगर मैथमेटिक्स के अगर आप स्टूडेंट हैं ये बहुत हाई लेवल मैथमेटिक्स है जो 5 मार्क टाउट कराता है। जब टाउट करा गया PC पर तो इसकी वैल्यू DY/DX की ओर ना जा करके DT/DX की ओर चला जाता है। जब DT/DX की ओर जाएगा तो उसमें दो वैल्यू मिलता है, एक तो ग्रुप मिलेगा दूसरा उसका ग्रुप का वर्जन मिलेगा। अगर आप ग्रुप के वर्जन को अगर कंप्लीट तरीके से अगर क्या करते हो यूज करते हो तो आप उसमें देखेंगे कि जो भी वैल्यू आपकी आएगी वो सीधे नेगेटिव फील करेगी। और नेगेटिव फील करने के बाद आप देखेंगे कि एक एक क्वेश्चन पर पूरे 100% क्या होता है वेरिएबल स्टार्ट होता है। जब वेरिएबल स्टार्ट होगा तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो हर एक वेरिएबल में 1 टाइम्स का रिप्रेजेंटेशन वैल्यू दिया रहता है, चाहे A+ चाहे उसमें ले लें चाहे B+ उसमें ले लें, कोई फर्क पड़ने वाला चीज़ होता नहीं है। और दोनों जब आप एडिशनल मल्टीप्लिकेशन इस डन पे करेंगे तो इसकी वैल्यू आपस में एग्जाम्पली डेरिवेटेड करा कर ही वैल्यू फाइंड की जाती है। तो इसमें देखेंगे कि PQR आपका क्या है, एडजस्टेबल है, तो आप इसे मोनोमियल करके इस क्वेश्चन का फाइंड कर सकते हो, लगा भी सकते हो इस क्वेश्चन कितने तरीके से लगाया जा सके। और सबसे बड़ी बात है जैसे कि इसमें द ऑब्जेक्ट आवर सिस्टम FPC पर है और आल अलजेब्रिक पर है, इस क्वेश्चन की अगर आप देखेंगे तो हर एक क्वेश्चन पे एक आपका फीलिंग होगा कि आप इस क्वेश्चन को किन किन तरीके से आप लगा सकते हो। सबसे बड़ी बात है क्वेश्चन को इम्प्रूव कराने में, अगर आप क्वेश्चन अगर इम्प्रूव करा लेते हो तो आपकी क्वेश्चन क्या करता है हमेशा के लिए रेडी हो जाता है P1/P2/P1+P2। आप यहाँ तक किस वैल्यू को देख सकते हैं, इसके बाद एंड करके अगर आपको पी की अगर वैल्यू अगर पूछता है तो पी की वैल्यू भी आप पुट करके इस क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं। और क्वेश्चन को फाइंड करने में कोई इसमें दिक्कत है नहीं। अब जैसे ही आप सेक्शन 6 में या प्रेजेंट में अगर कराते हैं तो इसकी वैल्यू आपस में इंक्लूडेड करा करके इस वैल्यू को कोऑपरेट बना लेता है। कोऑपरेट बनाने के बाद आप देखते हैं कि इस वैल्यू को जब आप कोई यूज करता है इस क्वेश्चन को, ये समझिए कि अगर आप यूज कराते हो इस क्वेश्चन को अगर देखते हो तो इसकी वैल्यू आपस में सदैव करेक्ट होता है। अगर आपको पता है कि x+y का होल स्क्वायर डबल टाइम्स में लिख सकते हैं, एक बार आप x+y दूसरी बार x+y अपान x-y x+y तो x+y कटेगा तो x+y अपान x-y बचेगा। और जब दोनों की वैल्यू जब आपस में बची रहेगी तो आप अगर उसमें देखेंगे तो उसकी वैल्यू आपस में करेक्ट बना लेता है कि इस वैल्यू कैसे कम्प्लीमेंट करा के कम्प्लीट किया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि अगर इसमें प्राइमिटिव अगर वैल्यू देखेंगे
तो आपका क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। अगर टाइम वेरिएबल पर अगर देखेंगे तो स्टेप्स लाइक होगा। इसके बाद इसमें एनएस पूछता है, एवं एनएस वाले में अगर पूछेगा तो एन फार आपका नॉर्मल, एस फार सिस्टमेटिक। अगर प्रूफ करके आता है तो एफ वन एफ टू एफ एम हो जाएगा और जी वन जी टू जी एम हो जाएगा। पूरी वैल्यू आपस में सच दैट बना करके इस वैल्यू को कम्प्लीट किया जा सकता है। और वैल्यू को कम्प्लीट कराने के बाद आप देखेंगे कि उसमें एक प्रकार का बहुउद्देशी क्वेश्चन अगर पूछेगा, जिसे अगर मल्टी टेलिंग पर अगर कोई पूछता है क्वेश्चन, तो मल्टी टेलिंग पर आपका पी वन रेशियोज वैल्यू फाइंड हो जाएगी और प्रॉपरली आपको मिलता है टॉट जो आपका होता है। पूरी तरीके से काम करके इस क्वेश्चन को अगर देखना है तो आप इस क्वेश्चन को कम्प्लीट भी करा सकते हैं कि इस क्वेश्चन को कम्प्लीट कराने में इसकी वेरिएबल क्या है। ठीक है, अब इसमें अगर देखते हैं कि वन क्वेश्चन में अगर इसकी एनपी अगर पूछता है तो एनपी टेक्नोलॉजी में जितने भी क्वेश्चन प्रॉपरली से अगर पूछता है तो क्या करता है, कम्बाइंडली पूछता है। इस क्वेश्चन में आपके कितने कम्बाइंडली क्वेश्चन हैं, अगर पाई की वैल्यू अगर मैपिंग में अगर ज्ञात करना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं, तो इसकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, इसमें नो टेंशन है। और सबसे बड़ी बात है क्वेश्चन को समझने में कि क्वेश्चन किस तरीके से एंगल से पूछता है। मेन क्वेश्चन कई प्रकार के पूछते हैं। सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन को पूछने में जो एक्टिंग या तरीके यूज किए जाते हैं, जो इंट्रोडक्शन को ब्रेकआउट भी किया जाता है, ये एक वैल्यू है कि आप अगर इसे देखेंगे, इसके बारे में समझेंगे, बीएन वैल्यू, अब्स्ट्रैक्ट वैल्यू, आप वीडियो को क्लिक करके किसी तरह स्क्रीन शॉट करके भी लगा सकते हो। अगर आपका इंट्रोडक्शन अगर अब्स्ट्रैक्ट वगैरह पूछता है तो ऑल राइट ऑब्जर्व करा लेता है। जब ऑल राइट ऑब्जर्व कराएगा इसमें टोटल वैल्यू, तो आपका अलजेब्रिक प्रूफ बनेगा। इसे डीमा ग्रिगोरी और एडवर्ड हिस्टर से, जो आपकी मैथमेटिक्स या बुक का नाम है, आप इसे आराम से कंप्यूट कर सकते हो। और साइंस टेक्नोलॉजी में अगर थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस में अगर देखेंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या करता है आपका ELSVIR थ्योरेटिकल कंप्यूटर ऑफ साइंस 931 या आईसो इफेक्ट पर क्या करता है आपकी पूरी वैल्यू फाइंड कराता है। इसलिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद, आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए वेट करिए, प्लीज़ शट डाउन।